कक्षा अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का एग्जाम्पल नंबर 2 ये बोल रहा है, एक बिजली का मिस्त्री है, मतलब बिजली सुधारने वाला, खंबे पे चढ़ते हैं ना वो लोग, वो बिजली का मिस्त्री है, को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे की मरम्मत करना है। हमको यहाँ पर एक खंबा दिया है, क्या दिया हमको यहाँ पर, एक खंबा दिया है। मैंने मान लिया कि ये है हमारा खंबा, बिजली खंबा हो गया ए और हो गया डी। एडी बिजली का हमारा खंबा है, एडी बिजली का हमारा क्या है, खंबा है, है ना। और ये 5 मीटर ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है, 5 मीटर। ये खंबे की ऊंचाई कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है 5 मीटर। उसे शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु पर पहुंचना है। इस शिखर बिंदु से कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे इस बिंदु तक पहुंचना है। और इस बिंदु को मैंने बिंदु बी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, बिंदु बी नाम दे दिया। शिखर बिंदु से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, इसको बिंदु बी नाम दे दिया, उसको यहां तक पहुंचना है। और यहां तक पहुंचने के लिए वो क्या लगा रहा है, एक सीढ़ी लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उसने ये सीढ़ी लगाया, क्या लगाया, उसने यहां पर एक सीढ़ी लगाया। और सीढ़ी को वो इस प्रकार लगा रहा है, सीढ़ी को इस प्रकार लगा रहा है कि सीढ़ी 60 अंश का कोण बना रही है। वो सीढ़ी को इस प्रकार यहां जमीन से लगा रहा है कि सीढ़ी जो है, देखो ये हो गई तुम्हारी सीढ़ी, ये तुम्हारी क्या हो गई सीढ़ी, खंबे पे चढ़ने के लिए अपन ने यहां पर क्या लगा दिए, ये सीढ़ी लगा दिए। तो हमारी ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इस जमीन से कितने अंश का कोण बना रही है, ये बना रही है 60 अंश का कोण बना रही है, कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है, बना रही 60 अंश का कोण, क्लियर। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए बी ए सी नाम हो, क्या नाम हो गया, ये सी नाम हो गया। 60 अंश क्या बना रही है, कोण बना रही है, 60 अंश क्या बना रही है, कोण बना रही है। तो तुमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तुमको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है कि सीढ़ी कितनी लंबी है वो पता लगाना है। दूसरा, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी का भी पता लगाना है, क्या लगाना है, सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी का भी क्या करना है, पता लगाना है। और यहाँ पर तुमको करनी 3 का मान रख के भी इसको हल करना है, है ना। बाहर चल जाओ, क्यों कमाई लगा रहे हो बिल्कुल, क्या पूरे गधे के गधे रहोगे बिल्कुल, यहाँ बात करने के लिए आ रहे, पढ़ने के लिए आ रहे, बात ही करना तो बाहर जाके बात कर लो ना, बाहर चल जाओ खूब बात करो। बेल टाइप की हरकत क्यों कर रहे हो बिल्कुल, जब इस देख रहा हूं मैं, करना है बात खूब बात करो, बाहर जाओ खूब बात करो, माहौल क्यों खराब कर रहे हो जबरन में। जबरन की बिल्कुल पगलाई लगा के रखो बिल्कुल, कितने बार समझाऊं, ये तो मत आओ कोचिंग, जिसको पढ़ना है वो ही आए यहां पे। एक बिजली का खंबा है, बिजली के खंबे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर बिजली खंबे की ऊंचाई है। इसके शिखर बिंदु ए से मिस्त्री को 1.3 मीटर नीचे वाले बिंदु पर जाना है। और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए वो क्या लगा रहा है, एक सीढ़ी लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एक सीढ़ी लगा रहा है। और सीढ़ी जो है वो जमीन से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो पता लगाना है। और खंबे के पाद बिंदु से यहाँ पर सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर दूरी भी पता लगाना है। तो ये पूरा खंबा यहां पर कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। 5 मीटर से हम ने 1.3 मीटर नीचे आ गए, तो 5 मीटर से 1.3 मीटर चला गया, तो ये कितना बचेगा, मतलब 5 मीटर में से 1.3 मीटर को घटा दो, घटा देंगे
देखो यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे माना AD एक बिजली का खंभा है, माना AD एक बिजली का खंभा है, माना AD एक बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, जिसकी ऊंचाई AD बराबर कितनी 5 मीटर, जिसकी ऊंचाई AD बराबर 5 मीटर है। माना AD एक बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई AD बराबर कितनी है 5 मीटर है, तथा हमको यहां पर खंभे की मरम्मत करने के लिए 3 मीटर नीचे आए, तथा शिखर बिंदु से 1.3 मीटर नीचे, शिखर बिंदु से 1.3 मीटर नीचे बिंदु बी है, शिखर बिंदु से 1.3 मीटर नीचे बिंदु बी है, तब बी डी बराबर, बी डी का मान निकाल लेंगे। अगर मैं इस ए डी में से ए बी को घटा दूं, किस में से, ए बी को घटा दूं, ए डी में से ए बी हट गया तो बी डी बचा, कितना बचा, बी डी बचा, क्या बचा, बी डी बचा, तो बी डी बराबर ए डी माइनस ए बी, ए डी में से ए बी घटा दिए, क्या बचा, यहाँ पर बी डी बचा, BD का हो गया BD बराबर, AD का मान कितना है, इस पूरे AD का मान है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, माइनस AB का मान कितना है, AB का मान है 1.3 मीटर, कितना है 1.3 मीटर। अब 5 में से 1.3 घटाना, घटाते कैसे है, 5.00 में से 1.3 घटाना है, एक उधार ले ली 10 में से 3 का कितना बचा 7, यहाँ पर बचे 4 में से 1 का कितना बचा 3, कितना बचेगा 3.7, कितना बचेगा 3.7 मीटर। तो BD कितना है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी दूरी कितनी है 3.7 मीटर, हमारी क्या यहाँ पर दूरी है, यह आगे हमारी BD दूरी, क्या ज्ञात करना है C, तथा हमको ज्ञात करना है CD की लंबाई BC, हमको CD की लंबाई क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, CD की लंबाई है ना, CD की लंबाई BC बराबर क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करना है हमको CD की लंबाई BC बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा मीनार के पाद बिंदु D से CD के पाद बिंदु C तक की दूरी है ना, ये दूरी भी ज्ञात करना है और CD की लंबाई भी ज्ञात करना है, CD की लंबाई BC ज्ञात करना है और मीनार के पाद बिंदु D से CD के पाद बिंदु C के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, तथा DC बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको यहां पर ये ज्ञात करना है। CD के द्वारा बनाया गया यूनियन कोड, और सवाल में हमको यहां पर एक चीज और दी गई है, हमको सवाल में दिया गया है CD के द्वारा बनाया गया यूनियन कोड, क्या दिया गया है, CD यहां पर क्या तुम्हारी BC है, CD BC के द्वारा बनाया गया, CD BC के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, CD BC के द्वारा, ये CD BC ने जो उन्नयन कोण बनाई है, ये कोण क्या है तुम्हारा, कोण DCB है, कोण क्या है, कोण DCB, कोण कौन सा, कोण DCB, कोण कौन सा है हमारा, कोण DCB, ये कोण हमारा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, कितना है
60 डिग्री है। हमारा कोण 60 डिग्री, ये कोण कितना हो गया हमारा यहाँ पर 60 डिग्री, हमारा ये कोण हो गया, हो गया हमारा कोण कितना 60 डिग्री, हमारे यहाँ पर क्या हो गया कोण हो गया। अब इसके बाद अब कोई एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखो जिसमें कोण की सम्मुख भुजा भी आए, जिसमें कोण की कौन सी भुजा आए सम्मुख भुजा भी आए और कर्णी भी आ जाए, क्या होता है वो साइन होता है। साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये 90 अंश कोण बनेगा ना, बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में है ना, बी डी सी में हम यहाँ पर साइन 60 का लगाएंगे, लगाएंगे साइन। कुछ ऐसा ढूंढो दिमाग लगाओ कि कोण सी की सम्मुख भुजा भी जाए और कर्ण भी जाए, क्या जाए कर्ण भी आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में किस में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में क्या लगाएंगे यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में यहां पर हम साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइन। साइन बराबर क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन सी लगा रहे हैं हम, साइन सी तो साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। हमने साइन सी लगाए, हमने क्या लगाया साइन सी लगाए, मतलब कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर कोण सी की सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। साइन का हो गया साइन। अब कोण सी का मान कितना है यहां पर 60 डिग्री है, तो कोण सी का मान कितना रख देंगे 60 डिग्री बराबर। अब कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है बीडी है, कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है बीडी है, तो कोण सी की सम्मुख भुजा का मान कितना रख दिए बीडी बटा कर्ण कितना है यहां पर, कर्ण हमारा ये कितना है कर्ण हमारा बीसी है, कर्ण कितना है हमारा बीसी है, तो कर्ण का मान कितना रख दिए बीसी रख दिए मान। अब साइन 60 का मान कितना होता है त्रिकोणमिति सारणी अध्याय 8 में पढ़ा था मैंने, साइन 60 का मान कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है कर्णी 3/2। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा कर्णी 3/2 बराबर। बीडी का मान कितना है, बीडी का मान कितना है 3.7 है, तो बीडी का मान कितना रख देंगे यहां पर हम 3.7 बटा। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान पता है क्या नहीं, तो बीसी यहां पर जैसे का वैसा हो गया। अब हम कर देंगे देखो त्रियक गुणा, क्या कर देंगे त्रियक गुणा, इसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, बीसी इंटू करणी 3 का यहां पर क्या हो जाएगा बीसी करणी 3 बराबर का बराबर, इसका मल्टीप्लाई इससे 3.7 गुणा क्या हो जाएगा यहां पर 2, 3.7 गुणा क्या हो जाएगा 2 हो गया यहां पर इतना, 3.7 गुणा क्या हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा। अब बीसी का यहां पर हो गया बीसी बराबर का हो गया बराबर, 3.7 का हो गया 3.7 गुणा 2 का हो गया 2 बटा करणी 3 इस तरफ गुणे में, इस तरफ कायम में जाएगा करणी 3 बटे में आ जाएगा, आगे बटे में। अब करणी 3 का मान क्या होता है, करणी 3 का मान क्या होता है, करणी 3 बराबर होता है हमारा 1.73, क्या होता है 1.73, ये हमारे करणी 3 की वैल्यू होती है। अब मान रख रहा हूं बीसी का हो गया बीसी बराबर 37, 3.7 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तुम 37 में 2 का गुणा कर दो, दो देखो 2 × 14 = 4 हासिल का 1 × 2 = 6 कितना हो गया 7 = 74 आ गया, 37 × 2 = 74 एक संख्या के पहले डेसिमल लगा है तो एक संख्या के पहले क्या लगा दो डेसिमल बटा करणी 3 का मान कितना है, करणी 3 का मान 1.73 है, तो यहां लग देंगे 1.73 रख दिए।
अब इसके बाद देखो BC का हो गया BC बराबर, अब दशमलव हटा रहा हूँ, दशमलव हटाना सीख जाओ ठीक, आगे बहुत बार आएगा। इसको सिर्फ कितना लिख दिया मैंने 74, इसको कितना लिख दिया 173 गुणा, नीचे दशमलव है तो दशमलव का एक ऊपर आ गया, दशमलव का एक कहाँ गया ऊपर, कितनी संख्या के पहले दशमलव, दो संख्या के पहले दशमलव, तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे, दो जीरो बटे दशमलव का एक आ गया, कितनी संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के, तो यहां पर जाएगा एक जीरो, क्लियर, नीचे के जीरो से ऊपर का जीरो कट गया। तो अगली स्टेप में 74 दहम कितना हो गया 740 हो गया, बटे का बटे 173 का हो गया 173, क्लियर। अब इसके बाद अगली स्टेप में बीसी का हो गया बीसी बराबर एक 740 में 173 का भाग देना है, देखो 7, 8, 9, 10, 11 740 में किसका भाग देना है 173 का भाग, 173 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 740 से आगे ना बढ़े, लगभग कितने बार जाएगा, 5 बार जा सकता है, देखो 173 गुणा 5, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 1, 7 × 5 = 35 और 6 × 3 = 3, 5 × 6 = 8 ज़्यादा हो गया है ना, कितने बार जाएगा 173 गुणा 4, 4 × 3 = 12, 2 × 7 = 28, 29 × 9 = 2, 4, 5, 6 है ना, 4 × 3 = 12 2 × 7 = 1, 7 × 28 = 1, 29 × 9 = 2, 4, 5, 6 कितने बार गया 4 बार, 4 बार में कितना आया 692 आया, 4 बार में कितना आया 692 आया, आया। अब 10 में से 2 गए 8, 3 बचा, 13 में से 9 गए 9, 10, 11, 12, 13 कितना बचा 4, 48 बचा। अब भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा, यहाँ लग गया क्या दशमलव, क्या लग गया यहाँ पर दशमलव लग गया, यहाँ लग गया जीरो। अब 173 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 480 से आगे ना बढ़े, करके देखो 173 गुणा 6, लगभग 2 बार जा, कितने बार, तो 4.2 आ गया। देखो 173 में 740 में अपन 173 का भाग दिया कितना आया 4.2, कितना आया 4.2 मीटर। तो बीसी क्या है, बीसी क्या है भैया, अरे बीसी क्या है अमरी, सीढ़ी है ना, सीढ़ी लगी ना, अरे खंबा में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाए थे ना, तो सीढ़ी बीसी कितनी आ गई तुम्हारी, सीढ़ी की लंबाई, मैं भगा भगा के भाई जड़ दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, बेल टाइप की हरकत, फिर लातों को भी बातों से नहीं मानते, वो वाली कहावत फिर लागू होती है, सीढ़ी की लंबाई बीसी कितनी हो जाएगी, सीढ़ी की लंबाई बीसी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4.2 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे आता है सीढ़ी की लंबाई आंसर, अतः सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बीसी 4.2 मीटर, सीढ़ी की लंबाई बीसी कितनी आ गई तुम्हारी 4.2 मीटर है। ये हो गया हमारा पहला आंसर, इतना नोट करो जल्दी से, उतारो उसको।